तो हेलो भाई लोग, क्या हालचाल, कैसे आप सभी लोग? और गाइस स्वागत है आप सभी का, बिठा ले भाई थ्रॉस्टलैंड मैक्स बिठा ले। ओके सो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस पाल वर्ल्ड का। और आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जोड़े बंदों के चैनल पे फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे दोस्तों। और अगर आपने पाल वर्ल्ड के कोई भी एपिसोड मिस करे और आपको सारे के सारे एपिसोड देखने ना, तो टेंशन नहीं लेने का गाइस, आप लोग को प्लेलिस्ट सेक्शन में पाल वर्ल्ड नाम की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे के सारे पाल वर्ल्ड के एपिसोड हमारे लाइन से देखने को मिल जाएंगे। सो जरूर से उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, उस पर जो है गाइस आपको सारे एपिसोड देखने को मिल जाएंगे, कोई भी एपिसोड जो है गाइस वो आपका स्किप नहीं होगा। फिर अभी गाइस पिछला एपिसोड जो था ना, वो मतलब वो एकदम चौंका देने वाला एपिसोड था। पूरा मेरा डाटा जो है गाइस वो करप्ट हो गया था भाई वर्ल्ड का, सारी चीज़ें मैं जो है गाइस यहाँ पे वो कर दी थी भाई, क्या बोलते, ख़त्म टाटा भाई गुड बाय हो गई थी हमारी सारी की सारे गाइस, वर्ल्ड की चीज़ें करप्ट हो गया था डाटा। उसके बाद हमने उसको रिकवर करा, एंड रिकवर करने के बाद जब मैंने अपने फ्रॉस्टेलन मैक्स का डैमेज और इसकी पावर चेकआउट करी गाइस दूसरे बॉसेस के अगेंस्ट, खास करके डेजर्ट वाला टावर बॉस, जिसको एक जमाने में हम लोग को मारने में जो है गाइस बहुत ज्यादा टाइम लगा था, ठीक है, उस टावर बॉस को हमने चुटकियों में हमारे इस फ्रॉस्टेलियन मैक्स की मदद से मार दिया। समझ रहे हो भाई, चुटकियों में भाई, इतना खतरनाक है गाइस अपना फ्रॉस्टेलियन मैक्स। अभी आप सोच रहे होंगे गाय को क्यों पकड़ रहा हूं गाइस, दुद्दू हमको चाहिए दुद्दू गाइस, और मैं दुद्दू के लिए इनको पकड़ रहा हूं। एक्चुअली मैं बात ये है कि हमारे पास दुद्दू देने वाली गाय, बट वो लेवल अप नहीं है, वो लेवल अप गाय नहीं है, समझ रहे हो, गाय हमने लेवल अप करने रखी है अभी तक, तो उनको लेवल अप करने के लिए मेरे को इन गायों की जरूरत है, एंड वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उनको लेवल अप करने के लिए ये जो गाय है गाइस उनकी जरूरत है, और मैं गाय कैप्चर कर रहा हूँ अभी। आज का काम गाय कैप्चर करने का नहीं है, वैसे आज कुछ और करना है हमको, रुको, अरे मारना नहीं, मेरे भाई यार, लेकिन क्या करूँ, ये फ्रॉस्टेलियन नॉक्स के ऊपर बैठते हैं ना, फ्रॉस्टेलियन मैक्स के ऊपर अपने, तब गाइस ये जो भी मैं गन चलाऊ उसका डैमेज ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। गोल्डन स्किल है क्या भाई तेरी कोई? नहीं यार, पता नहीं। ओके, कैन रिडन एज अ फ्लाइंग माउंट चेंज द प्लेयर अटैक टाइप टू आइस एंड इनहांस आइस अटैक वाइल यहाँ पे इसके ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब अगर हम लोग कोई भी गन इसके ऊपर चलाएंगे, सो गन या कोई भी चीज चलाएंगे, सो उसका जो अटैक है वो आइस टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा और डैमेज भी इंक्रीज होगा, ऐसे यहाँ पे बताया गया। ऐसा ना हो यार, जिन गाय को कैप्चर करना है भाई, वरना गाय जो है गाइस मारी जाएगी यहाँ पे मेरे एक पटके में, और इनको कैप्चर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। बत्तू माटोरे, तुमको कोई कैप्चर नहीं करने के लिए आया, मैं गाय को कैप्चर करने आया। अरे यार मोजो रिला, हो जा कैप्चर, हो रही। अरे यार ओवरवेट हो गया भाई, लोग जाओ ना, तुमको क्या फालतू गिरी, क्यों उंगली क्यों चुल मचिए भाई फालतू में उंगली करने की। अच्छा दुद्दू मेरे पास काफी ज्यादा आ चुका है, उड़ जा भाई, इनको मरना है क्या? डर नहीं लगता मौत से अपने? यार डर नहीं लगता तुमको मौत से? दुद्दू घर पे चाहिए, मिड बहुत ज्यादा आ चुका है, दुद्दू ड्रॉप कर लेता हूँ थोड़ा। यार मिड एक काम करो, खा लो मिड खा लो, ठीक है चलो अभी घर पे चलता हूँ, मिड को कुक करने के लिए डालता हूँ, दूध वगैरह जो है जो हमारे उन क्या बोलते हैं उसको फीडिंग पॉड के अंदर डाल दूंगा मैं, ठीक है। डन गाइस, फ्रॉस्टेलियन जो है ना यार, ये मतलब ये अभी मेरा फेवरेट पैल हो चुका है, बताए गाइस फेवरेट पैल तुम्हारे भाई का, सबसे फेवरेट पैल। दुद्दू डालो बराबर, मीट को भाई लोग मीट को कुक करने के लिए डालना है मुझे यहाँ पे, मीट सर जी को कुक करने के लिए डालना है। अरे मीट कुक नहीं होगा क्या ये वाला? होगा ना, ये रहा 147 होगा भाई, क्यों नहीं होगा, होगा। और एक और चीज़ आज एक काम करते, फिर थोड़ा सा जो हमारा काम बचा है ना बेस का, वही कंप्लीट कर लेते, ठीक है। सो पब्लिक बोल रही है ये चीज़ हटाओ यहाँ से, पहले ये क्या कर रहे हो भाई तुम, ये चीज़ हटाओ, ये जो कुकिंग पॉट है वो, और उसकी जगह पे इलेक्ट्रिक कुकिंग पॉट कहाँ पे भाई, कहाँ पे इलेक्ट्रिक कुकिंग पॉट? अः
इलेक्ट्रिक मेडिसिन वर्क बेंच ना, इलेक्ट्रिक फर्नेस ना, कुकिंग पॉड भाई, रॉकेट लॉन्चर अनलॉक हो चुका, इन दोनों का सैडल अनलॉक, ठीक है। आज एक काम करेंगे, फ्रॉस्टलेट नॉक का सैडल बनाएंगे हम लोग, ठीक है गाइज, टेंशन नहीं। इलेक्ट्रिक किचन यही है क्या? कोल चाहिए इसके लिए, मिनट चार कोल्स फॉर दिस। ऑल राइट, रुको वेट अ मिनट, मिनट चार कोल, ऑल राइट, ये रहा चार कोल। चार कोल की कमी नहीं है भाई, क्या ना ब्रो, चार कोल की कमी नहीं है। लॉगिंग वाले गाइस पाल्स मुझे यहाँ पे निकालने पड़ेंगे थोड़े, और मुझे गाइस इसका सैडल निकालने बनाने के लिए फोर्ज फर्नेस बनानी पड़ेगी, वो भी बनाता हूँ, और को कुछ फर्नेस बनानी पड़ेगी। रुक जाओ मैं जल्दी से यहाँ पे इसको जो है गाइस अंदर डाल देता हूँ सामान को जल्दी जल्दी, ठीक है डन। एंड कोल भी डाल देना इसमें भी। हाँ एक काम करूँ, मुझे क्या करना था, और लेके आना, और लेके आना दूसरे वाले बेस से। इलेक्ट्रिक किचन बनाते, फ्रॉस्टलेट नॉक्ट का सैडल अभी तक हम लोग ने बना नहीं रखा है, तो उसका सैडल बनाते फ्रॉस्टलेट नॉक्ट का। फ्रॉस्टलेट हुई गाइस लेवल 48 डैमेज, 1400 डैमेज भाई इसका, 1453 डैमेज आ रहा है भाई, अपने फ्रॉस्टलेट मैक्स का डैमेज 1300 ही है, बट इसकी हेल्थ ज्यादा है यार। इसका डैमेज लगभग 1500 जाने वाले, 1500 गैदरिंग लेवल 5 की है भाई इसकी। हाँ और कुछ बोल रहे थे फ्रॉस्टलेट नॉक को बाहर क्यों निकाल रखा है, तो गाइज गैदरिंग का काम मेरे बेस पे जो कर रहे हैं ना वो फ्रॉस्टलेट नॉक की है अपने, क्योंकि उनकी लेवल 4 की गैदरिंग है, ठीक है। सो इसलिए गाइज मैंने उनको बाहर निकाल रखा है ताकि वो मेरे बेस पे गैदरिंग का काम कर सके, और कोई सीन नहीं है, ठीक है। बाकी एक काम करता हूँ, रुको हम लोग को ओर्स बनाने, और नहीं सॉरी इनगट्स बनाने, आई थिंक से रिफाइन इनगट, उसी से हमारा सैडल बनेगा। रिफाइन इनगट बनाना है, उसके लिए चारकोल और जो ओर्स है वो दोनों चीज़ें चाहिए होगी, तो दोनों चीज़ें मैं अभी यहाँ पे पहले इकट्ठा कर लेता हूँ इसके अंदर, एंड उसके बाद जो है गाइस रुको इकट्ठा कर लूँ बॉक्सेस के अंदर, डन ना, सारे ओर वगैरह ले लिए। अभी इन सारी चीज़ों को लेके हमारे मेन बेस पे चलते हैं, पिघलाते गाइस यहाँ पे इसको ओर को, और गाइस रिफाइन इनगट्स बना के जल्दी जल्दी जो है गाइस हम लोग सैडल बनाएंगे हमारे प्यारे प्यारे से और नन्हे मुन्ने से जो है गाइस फ्रॉस्टलेट नॉक्ट का। ऑलराइट बॉयज सैडल बनाएंगे फ्रॉस्टलेट नॉक्ट का, डन। आ जाओ बेस पे चलते गाइस, ठीक है बेस पे चलते जल्दी जल्दी, हियर वी गो, लेट्स गो बॉयज बेस पे चलते हैं। सैडल बनाने के लिए मेटल यहाँ पे पिघलाता हूँ, मेरे को लेजेंडरी बॉल भी बना सकता हूँ, बट लेजेंडरी बॉल अभी ज़रूरत नहीं है, रुको लेजेंडरी बॉल के लिए मुझे पैलिन गेट बनाने पड़ेंगे, बट नहीं रेन दो 500, बाप रे गाइज हद से ज़्यादा और बन रहा है भाई, गाइज हद से ज़्यादा और बन रहा है, हद से ज़्यादा और बन रहा है यहाँ पे, ठीक है रुको मैं 200-250 भाई बनाने के लिए डाल देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही और बन रहा है भाई, इतने की उम्मीद नहीं करी थी मैंने, इनगट सॉरी और नहीं सॉरी इनगट कुछ ज़्यादा ही बन रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे 500 इनगट बनाने के लिए डाल दिया मैंने, 500 मजाक हो रहा है क्या, इतने सारे और थे मेरे पास, और ये 49 लेवल का होने वाला है अभी हमारा फ्रॉस्टलेट नॉक, ठीक है। ओके सो सबसे पहले किचन वगैरह का जुगाड़ करा जाए, रुको एक काम करो केक शेक उठाओ ये बन, अच्छा ये वहाँ पे छोड़ने के लिए गए ना, रुको केक वगैरह के चार हिस्से करो, केक के चार हिस्से करो, केक वहाँ पे ऊपर डाल देता हूँ। अरे यार इसके अंडे भी हैच करने हैं मुझे गाइज, रुको जगह कितनी है पैल बॉक्स में, जगह बताओ कितनी है, जल्दी आ सेट हो पैल बॉक्स में, जगह ज़्यादा नहीं है भाई, जगह ज़्यादा नहीं है, देखा जाए तो थोड़ी सी जगह बची हुई है। सो इनके अंडे तो मुझे अभी हैच करने सारे के सारे, ठीक है इसके सारे अंडे हैच करने हैं, और नए वाले अंडे यहाँ पे डाल दें इनके करने के लिए, लेजेंड लॉर्ड ऑफ अंडर वर्ल्ड भाई, ठीक है अंडरवेयर वर्ल्ड वाला था मैं, ठीक है चलो कोई ना, जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे ये कलेक्ट कर लेता हूँ। लेजेंड फ्यूरियस मसलेड नहीं मिल रहा है क्या, मसलेड लकी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही है ना, नहीं यार अनस्टेबल, फिर क्या क्या भाई स्किल मिल रही है, लेजेंड जेन माइंड, ओके कोई ना गाइज निकालेंगे हम लोग निकालेंगे, रुको या तो एक काम करता हूँ, मैंने जितने अभी तक नेक्रोमस कैप्चर करे, या फिर एक काम करते हैं, नहीं एक बेटर आइडिया मेरे पास, मैं अगले एपिसोड में एक और नेक्रोमस को कैप्चर करके लाता हूँ, किस्मत ने अगर साथ दिया तो मैं भी उसके पास बढ़िया वाली गोल्डन स्किल मिली, अगर नहीं मिली तो मेरे पास जो नेक्रोमस है 2 गोल्डन स्किल वाला जिसका डैमेज सबसे ज़्यादा हाई जा रहा है, मैं उसको यहाँ पे
लेवल अप करूंगा। और मुझे किसी ने ये भी बोला है कि नेक्रोमर्स की ट्रिपल जंप जाती है। ओके, ये बढ़िया है, ये नेक्रोमर्स बढ़िया है, 3 गोल्डन स्किल वाला, ठीक है। और हाँ, नेक्रोमर्स की ट्रिपल जंप जाती है, ऐसा किसी ने बोला है मुझे। देखेंगे गाइस, अगले एपिसोड में नेक्रोमर्स का भी सैडल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अगले एपिसोड में नेक्रोमर्स का सैडल बनाएंगे, लेट्स गो। फिर हम लोग फैंगलोप को जो है ना गाइस टाटा बाय बाय गुड बाय करेंगे शायद से, अगर नेक्रोमर्स ज़्यादा तेज है तो। ऑलराइट, चलो यहाँ पे मुझे अबे यार डाइट लवर लेजेंड वगैरह काफ़ी बढ़िया वाली स्किल्स मिल रहे हैं हमको, गोल्डन, ठीक है। डाइट लवर वैसे उतनी बढ़िया स्किल नहीं है। ओके, मैं अंडे हैच करता हूँ, मुझे पता है काफ़ी पब्लिक बोलती है बोरिंग काम है। गाइस देखो, अगर पैल्स को मेरा फ्रॉस्टलैंड मैक्स की पावर देखे अपने अभी, अगर उतने जितना उसके जितना स्ट्रांग बनाना है तो ये काम करना पड़ेगा, वरना गाइस वो स्ट्रांग नहीं बनेंगे हमारे पैल्स, थोड़े वीक वीक ही रहेंगे। सो उनको जो है ना गाइस इतना ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल बनाने के लिए मुझे काम करना पड़ता है गाइस, क्या करें। 15 लाख और एक्सपी चाहिए, फिर 50 लेवल का हो जाएगा तेरा भाई, सीधा 50 लेवल का 15 और एक्सपी भाई, 15 लाख और एक्सपी अगर मुझे मिल जाती है तो 15 लाख भाई, ठीक है। अंडे ऑलमोस्ट गाइस इनक्यूबेट होने वाला है, इसके बाद हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक किचन, ठीक है, जिसके अंदर हमारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी बन जाएगी, लाइक केक्स, दूसरा जो मीट वगैरह है, सारी चीज़ें भाई जल्दी जल्दी बनेगी काफ़ी ज़्यादा। सो इलेक्ट्रिक किचन हम लोग बनाने वाले हैं, इसके बाद रुको जल्दी से मुझे यहाँ पे ये अंडे कलेक्ट करने दो। A few moments later. Okay, और एक और बात गाइज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, हमारी पैल वर्ल्ड की प्लेलिस्ट चेकआउट जरूर करना गाइज, 160 प्लस एपिसोड हमारे हो चुके हैं, सारे एपिसोड लाइन से आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में पैल वर्ल्ड नाम की एक जो है ना गाइज प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। डन 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 डन, चला आ जाओ। सो सारे अंडे इनक्यूबेट हो चुके अभी भाई, हमारा दूसरा काम जो कि है गाइज यहाँ पे सारे के सारे अंडे कलेक्ट करके वापस से ऊपर इनक्यूबेट करने के लिए डालना, ठीक है। करो ब्रीडिंग करो आराम से, 5 लेवल तो होगा भाई नेक्रोमर्स मेरे हिसाब से कल तक या परसों तक, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 दिन, 2 दिन में मैं आपको नेक्रोमर्स का जो है मैक्स लेवल वाला एवोल्यूशन दिखाऊंगा, जिसका डैमेज हेल्थ सारी चीज़ें मैक्स लेवल की होगी, ठीक है। हम लोग बॉस को ही गाइस आई थिंक से यहाँ पे वो करने वाले हैं, शायद इवॉल्व करेंगे, देखते चलो देखते हैं। केक शेक डाल दो यहाँ पे, अंडे वगैरह उठा लूँ, मैंने इधर भी कुछ अंडे डाल रखे थे, ये एक, ये एक। ओवरवेट हो गया भाई, एक मिनट रुक जाओ, ओवरवेट हो गया, ऐसी कौन सी चीज़ें जो मुझे ओवरवेट करा रही है यहाँ पे। अरे यार वो खाने पीने का कुछ सामान लिया, ये चीज़ मुझे ओवरवेट करा रही है गाइस, खाने के लिए गाइस वो मीट लिया है ना मैंने, वो चीज़ भाई मुझे ओवरवेट करा रही है यहाँ पे। रुकना गाइस रुकना, जल्दी से अंडे यहाँ पे इनक्यूबेट करने के लिए डालने दो, जल्दी जल्दी फास्ट। ये यहाँ पे इसको डालेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको डालेंगे इसमें, एंड डन, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे, कम ऑन, ओके लेट्स गो भाई, बिठा ले भाई, बिठा ले बिठा ले, शाम होने को आ गई यार, शाम होने को आ गए मेरे दोस्तों। एक और अंडा दे दिस, ठीक है, अच्छी बात है। ऊपर केक डाल के आ जाता हूँ मैं। इन लोग ने एग्स वगैरह आंडी वगैरह दी है, वो भी कलेक्ट करनी पड़ेगी, रुको करता हूँ, सब कलेक्ट करेंगे, टेंशन नहीं। अरे यार बहुत अंडे है आप यार, बहुत ज़्यादा ही अंडे थे भाई, केक डाल देता हूँ रुको यहाँ पर, 30 केक डन। चलो गाइस बहुत ज़्यादा अंडे थे, चलो ये सारे अंडे इनक्यूबेट करने के लिए डालते हैं, और तब तक एक काम कर लो, सैडल बनेगा भाई हमारे फ्रॉस्टलैंड नॉक्ट का, हमारे पास उतने इनगट्स है या फिर और मुझे बनाने पड़ेंगे इनगट्स। वेनम ग्लैड व्हाट, अबे ये तो मैंने, यार इसके लिए वेनम ग्लैड चाहिए, रात में जमा करने जाऊंगा, मैं रात में वेनम ग्लैड जमा करने जाऊंगा भाई। मैं वेनम ग्लैड तो बेच दिया था भाई, पैसे जब चाहिए थे तब मुझे लगा भाई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी भाई फ्रॉस्टलैंड नॉक का सैडल बनाने के लिए वेनम ग्लाइड की जरूरत है, मिल जाएगा। ये डार्क टाइप पैल को मारने से मिलता है, रात में डार्क टाइप पैल बहुत ज़्यादा स्पॉन हो जाते हैं, उनको पकड़ के मारेंगे भाई, हज़ारों में तो नहीं लेकिन 300-400 वेनम ग्लाइड में लेके ईजी ले आ पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है, ईजी पीजी। चलो यहाँ पे पहले हमारे नेक्रोमर्स के जो गए अंडे उनको इनक्यूबेट करने के लिए डाल देता हूँ, चलो आ जाओ अभी मज़ा आएगा ना वीडियो, चलो ऊपर चलते हैं। कितने और अंडे भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अंडे पड़े हुए भाई, ये देखो भाई इन्होंने तो भाई अंडों की तो भाई बरसात कर दिया, इतने अंडे तो उठा भी ना पाऊँ मैं यार,
इतना अंडे दे रहे हैं ना कैसे लोग कि मैं ढंग से उठा भी नहीं पा रहा हूँ ये अंडे नीचे बेस पे। ये क्या कर दिया मैंने, क्या उठा लिया अभी यहाँ पे, कोई तो चीज़ उठा ली मैंने गलती से गाइस। ठीक है, क्या उठाया मैंने, अरे यार ये उठाया क्या, वुल उठा लिया गाइस, वुल उठा लिया गलती से, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ओवरवेट हो गया हूँ अभी। और ग्रैपल यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, रुकने अंडे हैच करने के लिए डालते वेनम ग्लाइड गाइस यहाँ पे बनाते, अब बनाते नहीं लेके आते मार के रात होते ही, फिर गाइस डायरेक्टली फ्रॉस्टलैंड नॉक का जो सैडल है वो हम लोग बना लेंगे। इजी पीजी बॉयज, इजी पीजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से जितने भी अंडे हैं ये सारे मुझे यहाँ पे इनक्यूबेट करने के लिए डालने दो। ठीक है, ए टू जेड जितने भी अंडे ये सारे यहाँ पे डालने दो। डन, रात हो रही है गाइस, ठीक है जल्दी काम करना पड़ेगा मुझे, रात हो रही है यहाँ पे। इधर उतर भाई, ये जो गाइस हम लोग को वुल मिला है उसको मैं यहाँ पे स्टोर करूँ, एंड यहाँ पे कुछ अंडे थे उनको उठा के इनको भी गाइस ऊपर हम लोग जल्दी से इनक्यूबेट करने के लिए डाल देते हैं, जल्दी से गाइस। ठीक है, जल्दी जल्दी इनको भी डाल दो इनक्यूबेट करने के लिए। ये इनक्यूबेटर, ये वाली लाइन फुल हो चुकी है, टोटल 3 लाइन अंडों से फुल हो चुके हैं हमारे अभी। ठीक है, लग रहा है वापस से 40 अंडे हम लोग हैच करने वाले हैं। चलो लेट्स गो, अभी जल्दी से इधर आ, इधर आ भाई। अंडे दिए यहाँ पे, नहीं ना ऊपर अंडे दिए भाई बहुत सारे, वो उठाने दो मुझे, फिर वेनम ग्लैड भाई इकट्ठा करने के लिए चलते। यार इसने बहुत अंडे दिए भाई, इसने बहुत ज़्यादा अंडे दिए, एक और राउंड मारना पड़ेगा ये अंडे उठाने के लिए, दो राउंड में भी हमको मारने पड़े। मेरे पास इतनी, अच्छा ये मीट ना यार, मीट के रीजन से हो रहा है भाई जो मेरे पास पड़ा हुआ है। चलो आ जाओ जल्दी से गाइस, इन अंडों को इनक्यूबेट करने के लिए डाल दो, थोड़ी ग्राइंडिंग शाइंडिंग करनी पड़ रही है गाइस हमको, बट अगर हम लोग को नेक्रोमस को करना है मैक्स लेवल तो ये करनी पड़ेगी ग्राइंडिंग। ठीक है, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्तों अगर नहीं करा होगा आपने तो, जल्दी जल्दी से भाई। गाइस अंडे ज़्यादा हो जाएंगे मुझे लग रहा है, ऊपर काफ़ी सारे अंडे पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इनक्यूबेटर जो है गाइस ऑलमोस्ट फुल होने को आ चुका है, और मुझे कोई ये भी बोल रहा है कि भाई जल्दी से अपना जो क्या बोलते हैं पैल ब्रीडिंग सेंटर है वो बढ़ा देना यार, काफ़ी कम है, चार चार अंडे मिल रहे एक बारी में। तो गाइस ठीक है, ये भी हम लोग भाई बढ़ा करने की कोशिश करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है टेंशन नहीं लेना। चलो रात हो चुकी है, यहाँ पे एक आखिरी अंडा पड़ा हुआ है, इसको उठा लो, चलते अभी सीधा, ठीक है ऊपर सीधा चलते हैं गाइस ऊपर, और ये सारे के सारे अंडे मैं इनक्यूबेट करने के लिए डालता हूँ, फिर हम लोग जाएंगे वेनम ग्लाइड जो है वो इकट्ठा करने के लिए। रात हो चुकी है, अभी हमारे पाल जो है गाइस सोने के लिए भी चले जाएंगे, ठीक है सोने के लिए भी जाएंगे। चलो भाई यहाँ से नीचे उतरो, ये आखिरी वाली गाइस एक लाइन बची हुई है, शायद से ये भी फुल हो जाएगी, एग्जैक्टली गाइस जितने इनक्यूबेटर बचे थे भाई, सच में यार जितने इनक्यूबेटर बचे थे एग्जैक्टली उतने अंडे हमारे पास है, देखना 40 के 40 इनक्यूबेटर यहाँ पे फुल हो चुके हैं भाई, मजाक हो रहा है क्या। लेट्स गो, सो नाउ हम लोग को जाना है वेनम ग्लाइड लेने के लिए, बराबर रुको रुको, वेनम ग्लाइड हम लेके आएंगे। ओके उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क वाले पैल्स मिलते हैं हमको, जिनको मार के मुझे वेनम ग्लाइड्स काफ़ी सारे मिलने वाले हैं, काफ़ी सारे। चलो फ्रॉस्टलैंड मैक्स को निकालता बाहर, वेयर इज अ पैल, व्हाट द, ये रे पैल, ये रे पैल, वेनम ग्लाइड्स उतर जाओ भाई जमीन पे। यस 12 काफ़ी ज़्यादा चाहिए, काफ़ी ज़्यादा चाहिए, इतने से काम नहीं बनेगा, कोई जिंदा बचा है कुचल देंगे गाइस इनको, कुचलने से काम हो जाएगा हमारा, कुचल देने से काम हो जाएगा भाई, कुचल देने से वो डायरेक्टली मर जाएंगे। कितने चाहिए थे गाइस वेनम ग्लाइड, कितने चाहिए थे मेरे को पता नहीं भाई, अभी मैं 200 लेके चलूँ, 200 नहीं चाहिए होंगे यार, मुझे लग रहा है 100 से काम बन जाना चाहिए, कितने हो गए 87 हो गए ना भाई, इजीली मिल रहे यार, इजी पीजी मिल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली मिल रहेगा इसे तो। ये देखो ऐसे बस जाना है इनको टक्कर मार के मार देना है, अटैक करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारी टक्कर से ही कैसे मर रहे हैं। वुम्बैट टॉम्बैट टॉम्बैट वुम्बैट नहीं टॉम्बैट भाई, ऐसे टॉम्बैट भाई, टॉम्बैट भाई मरने का नाम नहीं ले रहे,
इनको मारूं? बेचारे सोते हुए को मार रहा हूँ, एक फटके में वो सोता हुआ मर गया यार। छी भाई, एक फटके में मर गया भाई सोता हुआ। नहीं मारता यार बेचारे को, बेचारे सो रहे, सोने दो गाइस, सोने दो, सोने दो। चलो 100 हो गए आई थिंक से, मैं देखता हूँ और ज़्यादा अच्छी होंगे तो इनको मार दूंगा मैं। और ज़्यादा अच्छी 100 तो भाई हो गए भाई, देखते इससे ज़्यादा की ज़रूरत है क्या उनको। ठीक है भाई, इजीली उड़ा रहा हूँ मैं इनको, ऐसे इजी पीजी उड़ा रहा हूँ। ठीक है 100+ हो चुका है, देखते इससे ज़्यादा की ज़रूरत है क्या। बेस पे चलते जल्दी, अभी मैं सोऊंगा नहीं, पहले मैं देख लूँ भाई कि और वेनम ग्लाइड चाहिए क्या। पता चला और ज़रूरत है भाई तो फिर मुझे जाना पड़ेगा लेने के लिए। मैंने सारे बेच दिए थे वेनम ग्लाइड्स, नहीं चाहिए और उसके लिए, उसके लिए भी नहीं चाहिए ना। हाँ हो गया, चलो लेजेंडरी वाला सैडल गाइस मारा, फ्रॉस्टलैंड नॉक्ड का फाइनली गाइस यहाँ पे बनने वाला है, फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम भाई फ्रॉस्टलैंड नॉक्ड का भाई लेजेंडरी सैडल बनने वाला है। मजे मजे आएंगे अभी। हमारे एनिबस को गाइस मैं डाल देता हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी बना सके। बना रहा है गाइस लेजेंडरी वाला सैडल जो फ्रॉस्टलैंड नॉक्ड का, वो फुल स्पीड में बना रहा है। उसको सैडल बनाता हूँ, हम लोग किचन लगाते हैं यहाँ पे, किचन 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 बोलते बॉयज, किचन बोलते, किचन बोलते। रुको गाइस यहाँ पे कुछ चीज़ें डालनी है, वो डाल दो पहले बेरी, देन जल्दी यहाँ से हटो। अरे जल्दी हटो भाई जल्दी, हाँ देन टमाटर उधर ही थे भाई, टमाटर उधर थे। दूध यहाँ पे डालो, अंडे शंडे यहाँ पे डालो, टमाटर यहाँ पे डालो, देन और कुछ नहीं है ना, आटा और केक शेक और मीट, हाँ मीट भी है ना। रुको गाइस ये मीट को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यार यहाँ से किसी ने चीज़ें भी नहीं उठाई है भाई, वो भी उठा लो बार। मीट को यहाँ पे डालो, आटे को यहाँ पे डालो, इसको यहाँ पे डालो। ये तो मैं खाने के बारे में सोच रहा था, बट चलो यहाँ पे डाल देता हूँ, और वेट कर रहा है मुझे। हाँ ठीक है ना, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक किचन बराबर यही ना। एक दो, दो क्या मटेरियल, अच्छा बोर्ड, सर्किट बोर्ड चाहिए इसके लिए। यार मुझे लगाने तो सर्किट बोर्ड की कमी पड़ेगी यार, मतलब सर्किट बोर्ड लगेंगे। 10 बनाओ एनिबस, कम ऑन एनिबस भाई, 10 बनाओ 0 सेकंड में डायरेक्टली, तुरंत भाई 10 बना ले। आ गया, आ गया, घूम के आया बनाने के लिए, बन गए समझो भाई। ठीक है 3 किचन बना देता हूँ वहाँ पे, और उसके अंदर ये केक वगैरह जो वो बनाने के लिए डालूंगा। देखते कितने ज़्यादा स्पीड में वहाँ पे भाई केक बनते। ठीक है सर्किट बोर्ड बना, उठा लिया हमने, डन। आई थिंक तो मुझे लग रहा है सैडल भी बनके रेडी हो गया होगा। ये किचन यहाँ पे एक लगा दिया, एक और किचन, दो किचन लगाने की जगह है भाई, तीसरा टेढ़ा लगाना पड़ेगा थोड़ा। चलो दो ही किचन लगाते हैं, ओके एक के अंदर बनेंगे अभी। ओए इसमें तो भाई बर्गर शर्गर बन रहे भाई, बर्गर शर्गर बन रहे हैं, नूडल वीडल बन रही है, नूडल वीडल भी बन रही है भाई। अरे बाप रे, अब भाई चिकन लेग पीस भी बन रहा है भाई, अरे पिज्जा भी बन रहा है भाई, क्या क्या बन रहा है इसमें भाई साहब। ठीक है मैं कुछ तो बना रहा था यहाँ पे अभी कुछ समय पहले, मैं कुछ तो बना रहा था, ये चीज़ थी क्या, ये थी, ये थी, ये बनाओ भाई, बनाओ बनाओ अच्छे से, जल्दी जल्दी बनाओ। ठीक है गाइस, तो आपके कहने पे किचन भी मैंने लगा दिया है। अभी गाइस चलो आ जाओ, फ्रॉस्टलैंड जो है गाइस हमारा, उसका सैडल अभी यहाँ पे बन चुका है। वो नहीं बना है, बना रहा है, बना रहा है अपना एनिबस, बना रहा है, बनाने दो भाई उसको सैडल। ठीक है जैसे ही सैडल बनेगा वैसे ही फ्रॉस्टलैंड नॉक्ड को लेके आराम से घूमने के लिए जाएंगे हम लोग। ठीक है फुल मज़े ही मज़े आने वाले गाइस, हमारा फ्रॉस्टलैंड इतना पावरफुल है तो जो फ्रॉस्टलैंड नॉक्ड में कितना ज़्यादा जो है ना गाइस दम होगा भाई। ठीक है चलो फ्रॉस्टलैंड नॉक्ड का सैडल फाइनली बन चुका है और ये रहा गाइस हमारा फ्रॉस्टलैंड नॉक्ड स्पीड। गाइस इसकी स्पीड फ्रॉस्टलैंड मैक्स से भी ज़्यादा तेज है यार, और इसको भी चलाने से इसके भाई पैरों के अंदर से वो निकल रहे भाई, ये देखना वो क्या बोलते स्नो निकल रही है भाई, सब ओपी बोलते, ओपा 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 ओपा
और अगर मैं इसको चलाऊंगा तो अटैक मेरे डैमेज डैमेज भाई गाइज नहीं नहीं पॉसिबल ही नहीं गाइज क्या हो रहा है पता है स्किल स्किल स्किल्स पढ़ने दो सच में इसके ऊपर बैठने से मेरा डैमेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है अगर मैं वेपन चलाऊ इसके ऊपर बैठ के तो आपको डेमो देखना है डेमो दिखाता हूँ डेमो दिखाता समझो मैं क्रॉसबो चला रहा इसके ऊपर इसके मैं मार रहा हूँ पेट पे 300 डैमेज पड़ा बराबर 300 डैमेज पड़ा पेट पे मारने से अभी अभी देखो 600 डैमेज कितना गाइस 600 डैमेज और डार्क इफेक्ट ध्यान से देखना वो स्नो इफेक्ट दे रहा था ना ये डार्क इफेक्ट दे रहा है मतलब डबल हो रहा है डैमेज मेरा नाइटमेयर बॉल भाई नाइटमेयर बॉल का कितना डैमेज जा रहा था ना देखा नहीं मैंने रुको बट प्रॉब्लम ये है ना गाइस प्रॉब्लम क्या है बताएं प्रॉब्लम भाई ये है कि एक मिनट रुक जाओ इसके पास ना वो आइस वाला अटैक नहीं है डार्क वाला कौन सा 49 लेवल भी हो गया ये ओके अटैक कम क्यों है तेरा ग्लिच है क्या अच्छा शैडो बैग देख रहा हूँ ओके ओके ये वाला भाई तेरे बस यार इसके पास अटैक नहीं है बॉयज प्रॉब्लम ये है भाई प्रॉब्लम क्या है कि इसके पास कोई अटैक नहीं है बढ़िया वाले समझ रहे हो इसके अंदर डैमेज इसके पास डैमेज है मैं लिख के देता हूँ फ्रॉस्टलिन से ज़्यादा डैमेज है इसके पास बट वही प्रॉब्लम है इसको अभी तक इसने अभी तक कोई लर्न नहीं करा है भाई अटैक है इस पता है वो स्पेशल अटैक कोई लर्न नहीं करा है अभी तक रेस्क्यू करने आया था उसको भी मार ये देखो ये इसका मेन अटैक है क्या स्पिरिट फ्लेम 3000 डैमेज कहाँ 60000 डैमेज गाइस अपना 60000 डैमेज का और कहाँ ये 3000 डैमेज बोलो कहाँ 3000 डैमेज देखो नाइटमेयर बॉल ये अटैक है फिर ये अटैक है नाइटमेयर बॉल का कितना डैमेज जा रहा है उनको सीवा अटैक का जरा एक बार डैमेज देखा जाए कितना डैमेज किया 5000 नहीं यार वही प्रॉब्लम है गाइस इसका 2000 भाई गाइस प्रॉब्लम तो है भाई थोड़ी सी मानना तो पड़ेगा अटैक काफ़ी बढ़िया है डैमेज इसके ऊपर बैठ के अगर मैं चलाऊँ कोई वेपन बहुत तगड़ा जा रहा है बट ऐसे अगर डैमेज देखे मूस का तो काफ़ी ज़्यादा कम है नाइटमेयर बॉल का कितना है भाई 19000 कहाँ पे 60000 डैमेज और कहाँ 19000 यार गाइस क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है फ्रॉस्टलिन नॉक्ड भाई स्पीड भी इसकी काफ़ी बढ़िया है देखना स्पीड भी ओपी है रुको ओपी स्पीड छोड़ो इनको कैप्चर करो भाई बताने मेरे को इनको कैप्चर करना है बाबा इनको कैप्चर करना है गाइस हम लोग को इनको कैप्चर करना है गाइस ताकि मेरे को काफी ज्यादा दुख मिल सके जा कैप्चर भाई थोड़े हाई लेवल है तो क्या हुआ भाई चलो भाई काफी सारी गाय गाइस कैप्चर कर लिए मुझे लग रहा है मेरे पास जो गाय है उनकी काफी बढ़िया वाली लेवल अप होने वाली है अभी ठीक है एक काम करें इसको इनको एक फटके में उड़ाया था बराबर फ्रॉस्टलिन नॉक्ट ने एक फटके में हम क्या इन बॉसेस को एक फटके में उड़ा पाएंगे फ्रॉस्टलिन नॉक्ट से फ्रॉस्टलिन मैक्स ने इनको एक फटके में उड़ाया था क्या हम भी उड़ा पाएंगे लेट मी ट्राई डैमेज कम है गाइस नहीं 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 गाइस नहीं डैमेज कम है भाई डैमेज काफी कम है आपने खुद के आंखों से देखा था गाइस इनको डिस्ट्रॉयड इन सेकंड कराया फ्रॉस्टलिन मैक्स ने ठीक है डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड भले उसका वहां पे दिख रहा है कि 1200 डैमेज है बट उसके मूव्स का डैमेज ना काफी ज्यादा हाई जा रहा है भाई ठीक है ये बात तो माननी पड़ेगी अगर मैं उसका डैमेज ये देखो इससे कम इस अटैक में मैं 90% या फिर 100% हेल्थ डाउन कर सकता हूँ फ्रॉस्टलैंड मैक्स से देखना गाइस इसने आधी भी हेल्थ डाउन नहीं करी बराबर ध्यान से देखो गाइस आधी भी हेल्थ डाउन नहीं करी बराबर उसने अभी मैं देखो अपने अटैक में ये देखो ये मेरा अटैक दे रहा हूँ सेम अटैक खल्लास भले मेरा डैमेज कम है इसे दिखा रहा है कि मेरा डैमेज कम है गाइज
लेकिन रियलिटी में डैमेज काफी ज्यादा हाई पड़ रहा है। हाँ, बट ये बात माननी पड़ेगी, अगर हम फ्रॉस्टलेन नॉक के ऊपर बैठ के कोई भी वेपन चलाते हैं, कोई भी, तो उसका जो डैमेज है वो नॉर्मल फ्रॉस्टलेन के ऊपर बैठ के वेपन चला रहे उससे ज़्यादा हाई जा रहा है। ये बात तो कन्फर्म है भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी यार। ठीक है, बाकी तो थोड़ी चीज़ें भाई यहाँ पे फेंकने दो जो मेरे काम की नहीं और मुझे फालतू में ओवरवेट करा रही है। दूध पी लेता हूँ, उसको दूध पी लेता हूँ थोड़ा सा। बाकी गाइस आप बताओ आपका क्या कहना है, एक मिनट रुक जाओ। वन शॉट में यादव को, जोई और ग्रिसबोल्ट को वन शॉट मारा था हमने गाइस, बराबर, ये तो आपने देखा होगा। मैं फ्रॉस्टलेन नॉक को लेके जा रहा हूँ, इसके ऊपर बैठ के जोई और ग्रिसबोल्ट के ऊपर हम हमला कर रहे हैं, क्या हम इनको वन शॉट मार पाएंगे? क्या लग रहा है आपको, क्या मार पाएंगे वन शॉट? लेट्स सी गाइस, आ जाओ। ठीक है, वन शॉट मारा था मैंने गाइस, वापस रुको, पहले आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाजा लगे। ठीक है, ये देखो, ये वन शॉट है, नहीं ये यार गाइस, वन सेकेंड फाइट होगी, रुको गाइस, वन सेकेंड फाइट होगी, रुको, अभी नहीं, वापस से फाइट करते, इसको वन शॉट उड़ाना है मेरे को, कैंडी खिलाओ इसको, खिलाओ कैंडी वगैरह, मीट वगैरह खिलाओ, हाँ ठीक है, रुको, वापस से फाइट करते, मीट वगैरह खिलाओ, ओके डन, ऑल राइट, चलो आ जाओ नीचे चलो, ओके डन। तो पहले फ्रॉस्टलेन मारेगा गाइस, डन, बराबर, पहले फ्रॉस्टलेन मारेगा गाइस इसको, मैक्स वाला फ्रॉस्टलेन मैक्स वाला। ओ ये अटैक आया नहीं, कूल डाउन पे, ठीक है, वन शॉट नहीं मार पाए, चलो टू शॉट मार दिया। ये आइस वाले अटैक का कभी कभी ना डबल डैमेज पड़ता है, तो एक ही अटैक में वो मर जाता है, लेकिन अभी डबल डैमेज नहीं पड़ा, लेकिन दो फटकों में मारा हमने, बराबर। जबकि फ्रॉस्टलेन मैक्स का अगर मैं आपको डैमेज दिखाऊं तो फ्रॉस्टलेन नॉक से ज्यादा है, फ्रॉस्टलेन मैक्स का 1300 डैमेज है, फ्रॉस्टलेन नॉक का 1400 डैमेज है, बराबर। अभी सेम बॉस से फाइट लेंगे हम फ्रॉस्टलेन नॉक्ड से, ठीक है, फ्रॉस्टलेन मैक्स ने अपना जलवा दिखाया, अभी नॉक्ड की बारी, ऑल राइट, आ जाओ भाई, अभी नॉक्ड की बारी, आप खुद डिसाइड करना। मुझे काफी ज्यादा बंदे बोल रहे हैं कि फ्रॉस्टलेन नॉक्ड काफी पावरफुल है, देखते हैं, डन, ओके। सबसे पहले ओपी वाला अटैक इसका, ये एक अटैक यूज करा, नाइटमेयर बॉल भी यूज करा, स्पिरिट फ्लेम, यस, टोटल तीन अटैक लगे मुझे इसको डिफीट करने में, ओके। और डैमेज भी अगर आपने देखा होगा तो काफी कम पड़ रहा था, हाँ, इसका जो नाइटमेयर बॉल है उसका डैमेज काफी बढ़िया पड़ा। एक्चुअली में ये इसलिए भी हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रॉस्टलेन के पास 130 डैमेज वाला एक अटैक है, जबकि फ्रॉस्टलेन नॉक के पास ऐसा कोई भी अटैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर ये लर्न करता है कोई अटैक्स, ठीक है, इसको कोई अटैक जो है स्पेशल मिलता है फ्यूचर में, तब ये फ्रॉस्टलेन अपना जो ये वाला आइस वाला उससे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, बट अभी के लिए पावरफुल नहीं है क्योंकि इसके पास कोई हाई डैमेज देने वाला अटैक नहीं है। नहीं हमारे पास, एक मिनट जाओ घर पे जाके देखता हूँ, ब्लिजार्ड अगर स्पाइक होगी, ये डार्क वाला कोई इपेक अटैक जिसका डैमेज काफी बढ़िया हो तो मैं इसको लर्न करा सकता हूँ वो चीज़, ठीक है, लेट्स सी, देखते रुको मैं अपने पिटारे को ओपन कर लूँ। नाइटमेयर बॉल नहीं है, इसके अलावा आइस 70 डैमेज नहीं यार, नहीं गाइस, काफ़ी लो डैमेज है, 70-80 काफ़ी लो डैमेज वाले स्किल वाले फ्रूट्स मिल रहे हैं। लाइटनिंग बोल्ट ऐसे भाई चाहिए भाई, ये देख रहे हो लाइटनिंग बोल्ट में इसको लर्न कराओ फ्रॉस्टलेन नॉक्ट को, हाइड्रो लेजर भी है, वाटर अटैक भी लर्न करा सकता हूँ मैं चाहो तो, क्या बोलते पब्लिक, ट्राई करा जाए एक बार, हाँ ट्राई करा जाए, लर्न कराने में कुछ भी नहीं जा रहा हमारा गाइस, वैसे लर्न कराने में कुछ भी नहीं जा रहा, क्या ही जा रहा हमारा लर्न कराने में, चलो आ जाओ। मैंने जितने भी बेस्ट अटैक थे ओपी वाले मेरे पास वो इसको लर्न करा दिए, वन सेकेंड फाइट करने जा रहे हैं हम, चेक, लेट मी चेक अभी कि क्या सीन होता है, ठीक है, लाइटनिंग अटैक मुझे पता है इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, बट फिर भी देखते हैं, चलो फिर भी देखते हैं, क्या पता भाई
ये लाइटनिंग वाले अटैक है गाइस, इसके जो मैंने इसको लर्न करा है वो काफ़ी तगड़े वाले डैमेज दें। 150 वाला ये, और हाइड्रोलेजर डालो, हाइड्रोलेजर ओके, और क्रिस्टल विंग तो हमारे पास रहने वाला है। चलो आ जाओ, ऑल राइट आ जाओ, अभी मज़ा आएगा गाइस, अभी मज़ा आएगा भाई, खतरनाक वाला। चलो लेट्स गो, मैंने इसको बढ़िया वाले अटैक्स वो कर दिए, लर्न करा दिए अटैक, वो हो रहा है, चार्ज हो रहे, चार्ज हो रहे, चार हो जी, होने दो भाई। क्रिस्टल विंग आप पहले भी देख चुके हो अटैक, और ये ईपी का अटैक है तो इनमें टाइम तो लगेगा भाई। ये भाई उड़ता बहुत ज़्यादा तेज है, कुछ भी बोला, उड़ने में इसका मुकाबला किसी से भी नहीं है, काफ़ी स्पीड में उड़ता है भाई ये, और मुझे नहीं लग रहा है ये आसमान में। अच्छा लेजर, लेजर चला रहे हैं, चलना भाई, कल 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 आना कल, ठीक है। लेजर चला रहा है बेचारा, बेचारा बेचारा लेजर चला रहा है रे, और ले 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 ले, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। अभी अटैक चार्ज हो चुके, लाइटनिंग बोल्ट, लाइटनिंग बोल्ट, ठीक है ना, हाइड्रो लेजर नहीं, इसके पास जो खुद के अटैक है वही इसको पास रहने दो गाइस। अभी तो ये और वीक बन गया, अभी तो ये और वीक बन चुका है, मार दे रहे गाइस, नहीं नहीं ये अटैक नहीं लर्न कराने, इसको फायदा नहीं, फायदा नहीं, फायदा नहीं, इसके अटैक से इसके पास रहने दो। शैडो ब्रश स्पीड क्या, इसके अटैक जो है गाइस खुद के वही रहने देते हैं इसके पास, नहीं जो अटैक है ना गाइस दूसरे आउट ऑफ नोवेयर वाले, वो फायदा नहीं है भाई इसको सिखा के, इसको कोई ना कोई एक ओपी वाला अटैक जो है गाइस वो खुद से सीखना ही पड़ेगा। शायद से 50 लेवल हो जाए ना गाइस ये फ्रॉस्टलैंड नॉक, तब में भी हमको एक अटैक मिलेगा जिसका काफ़ी पावरफुल वाला, तब बोल सकते हैं गाइस कि कुछ खतरनाक जो है गाइस यहाँ पे डैमेज वगैरह दे रहा है। बट अभी के लिए तो गाइस मुझे खास कुछ उम्मीद जो है गाइस वो लग नहीं रही भाई इससे, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी खास कुछ ये कर पाएगा हमारा फ्रॉस्टलैंड नॉक। अभी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो हमारा नॉर्मल फ्रॉस्टलैंड जो है ना गाइस वही सबसे ज़्यादा पावरफुल पहल है भाई यहाँ पे, ठीक है मेरे हिसाब से तो। बाकी आप बताना आपको कौन ज़्यादा पावरफुल लगा, इसके ऊपर वेपन चलाएंगे तो ज़्यादा डैमेज दे रहा है ये, बट इसके अटैक्स का जो डैमेज है वो काफ़ी कम है, तो आप बताना आपके हिसाब से आपको कौन सबसे ज़्यादा ओपी और पावरफुल वाला हमारे यहाँ पे पहल लगा, फ्रॉस्टलैंड और फ्रॉस्टलैंड नॉक्ड गाइस, ठीक है। बाकी आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है वो हो जाता है ये पे खत्म, आर्क बोल दिया, पैल वर्ल्ड का मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और जो हमारे प्रीवियस एपिसोड है अगर आपको देखने तो प्लेलिस्ट सेक्शन में पैल वर्ल्ड नाम की प्लेलिस्ट है वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय। And how careless we be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.